गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो अगेन वी आर बैक एट यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है कंप्लीट किया था स्कोप, लेकिन स्कोप में हमने सिर्फ बेसिक साइकोलॉजी कवर किया था. इस लेक्चर में हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में अप्लाइड साइकोलॉजी कवर करेंगे. साइकोलॉजी नर्सिंग से रिलेटेड कैसे है और साइकोलॉजी के मेथड्स क्या क्या है, मतलब मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कोप. हमने साइकोलॉजी के दो ग्रुप्स थे, बेसिक और अप्लाइड. बेसिक का हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी. अप्लाइड साइकोलॉजी में सबसे फर्स्ट आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी. ठीक है, सो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होगा. क्लिनिकल का मतलब आपको पता है क्लिनिकल एरिया, तो थोड़ा वर्ड से समझ जाओ. इट डील्स विद द इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. मतलब ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से डील करता है ये वाला जो ब्रांच है. इवैल्यूएट करना, डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना उस इंडिविजुअल का, तो ये क्लिनिकल हो गया, क्लिनिकल एरिया. ठीक है. प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ इंक्लूड इंटरव्यूइंग द क्लाइंट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, प्रोवाइडिंग ग्रुप और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी. तो बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ क्या क्या है. इट इंक्लूड्स इंटरव्यूइंग द क्लाइंट, क्लाइंट का इंटरव्यू किया जाता है. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं इंडिविजुअल पे, और इंडिविजुअल को ग्रुप थेरेपी और इंडिविजुअल थेरेपी प्रोवाइड करना, ये यहाँ का मेन प्रिंसिपल है. ठीक है. निमहांस इन बैंगलोर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री इन रांची प्रोवाइड द ट्रेनिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अर्लियर. ठीक है. अब तो ऑलमोस्ट एवरी जगह आपको दिख जाएगा क्लिनिकल साइकोलॉजी का, हर जगह यहाँ पे ट्रेनिंग होता है. नेक्स्ट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी. इट यूजुअली वर्क्स विद समवर डिफरेंट क्लाइंट्स, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू पीपल स्ट्रगलिंग विद एवरीडे प्रॉब्लम ऑफ मॉडरेट सीवियरिटी. Thus they often engage in family, marital and career counseling. Counseling psychology में मतलब basically किसी assistance provide करना किसी individual को जिसको problem हो, वो problem solve करने में जिसको issues होता है. जैसे career counseling होती है, हम confuse होते हैं कि क्या career लें, क्या किस पे focus करें. Family counseling, marital counseling. ठीक है. तो जहाँ पे जिसको एवरीडे प्रॉब्लम में हमें जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी तो नहीं है, ये बढ़ बढ़ कर ज़्यादा हो जाती हैं. इसीलिए बेस्ट यही रहता है कि जहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो थेरेपी लो. ठीक है, काउंसलिंग लो. तो उससे क्या होता है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है वो. देन थर्ड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. इट इज़ एन आउटग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इट ट्राइज टू स्टडी एंड सॉल्व द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन द स्कूल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, मिलिट्री कंपनीज. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप लोगों को पता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में बेसिकली साइकोलॉजी रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन. और जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है ना. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें स्टडी करना, उन्हें सॉल्व करना, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप उतनी ही पे फोकस करो, जो मैं रीड कर रही हूँ बस आप उसे थोड़ा समझो. ठीक है. हियर इट ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लीडरशिप, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. बेसिकली कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सॉल्व करना, ऑर्गेनाइजेशन को समझना, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप होता है उसको समझना, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. फिर होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ मेनली डिवोटेड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल टेक्निक्स मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और आप कैसे समझ रहे हो, वो जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको समझने के लिए एक अलग ब्रांच साइकोलॉजी की सब फील्ड है, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जहाँ पे एजुकेशन के बारे में समझा जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समझा जाता है.
फिर है हेल्थ साइकोलॉजी. हेल्थ साइकोलॉजी इज़ द फील्ड दैट स्टडीज द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस. ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजी में क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनको समझना फिर प्रमोट करना हमारी हेल्थ में. ठीक है, किसी भी बीमारी को, किसी इलनेस को प्रिवेंट करना, ये हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर आया जाएगा. I'll explain you. It has the interest in relationship between stress and illness. बस आप बस ये समझो, किसी स्ट्रेस की वजह से कोई इलनेस होती है वो समझना, है ना. अगर हमें कोई मेंटल स्ट्रेस होता है तो ज़रूरी नहीं है कि मेंटल स्ट्रेस सिर्फ उतना ही रहेगा, वो बढ़ बढ़ कर फिजिकल इलनेस भी बन जाएगा. ठीक है, जैसे किसी को डिप्रेशन होता है तो यूजुअली उसको स्टमक इशूज़ भी होते हैं, है ना. तो किसी स्ट्रेस की वजह से कोई बीमारी होना, वो कैसे इंट्रैक्ट कर, कैसे रिलेशनशिप है उनके बीच में, उसको हम बोलेंगे हेल्थ साइकोलॉजी. इट डिस्क्राइब्स द इंट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स. तीन फैक्टर्स का इंट्रैक्शन को समझना इज़ हेल्थ साइकोलॉजी. दिस मॉडल इज़ नोन एज बायो साइको सोशल मॉडल, क्योंकि हम यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तीनों का क्या इंट्रैक्शन है वो पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायो साइको सोशल मॉडल. फिर है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, आपको समझ आना चाहिए वर्ड से. एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन स्कूल, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंटल सेटिंग्स. दे डिज़ाइन वर्क एनवायरमेंट एंड स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग, नॉइज, एयर पोल्यूशन ऑन बिहेवियर. एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो या तो स्कूल में या किसी इंडस्ट्री में या किसी गवर्नमेंट सेटिंग में जॉब करते हैं. और क्या उनका जॉब क्या होता है, वर्क एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रखना, कि क्या यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन है, क्या यहाँ पर एयर पोल्यूशन है, हम एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, क्राउडिंग को कैसे कम कर सकते हैं. फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी अप्लाई साइकोलॉजी टू द लीगल सिस्टम. जो क्राइम होता है, क्राइम साइड जो होता है, लीगल साइड जो होता है, उसमें जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी. दे इंक्लूड ज्यूरी डेलिब्रेशन प्रोसेस एंड द बेस्ट वेज टू सेलेक्ट ज्यूरर्स. ज्यूरी मतलब बेसिकली जजेस, ठीक है, लॉयर्स, जज. सम फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ट्रेन पुलिस टू हैंडल डोमेस्टिक डिस्प्यूट, निगोशिएट विथ हॉस्टेज टेकर्स. फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है पुलिस को भी ट्रेन करते हैं कि लड़ाई झगड़े को वो प्यार से कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे निगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है, किडनैपर्स से कैसे निगोशिएट कर सकते हैं, ये सब फॉरेंसिक साइकोलॉजी में होगा. स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, दिस फील्ड अप्लाई साइकोलॉजी टू एथलेटिक एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज. एथलेटिक एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज वाली जो फील्ड है उसको हम बोलेंगे स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी. इट कंसीडर्स द रोल ऑफ मोटिवेशन, द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन मसल डेवलपमेंट. ठीक है, वुमेन साइकोलॉजी वर्ड से समझ आ गया होगा. इट डिस्कसेस द फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटिंग टू वीमेंस बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, कि हाउ डू वुमेन बिहेव, हाउ डू दे डेवलप, उसके बारे में एक स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं वुमेन साइकोलॉजी. इट ट्राइज टू एक्सप्लेन वेरियस इशूज़ लाइक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज बिटवीन मैन एंड वुमेन, द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स ऑन बिहेवियर, कॉजेज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड सो ऑन. ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. क्या क्या, कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, डिफरेंसेज बिटवीन मैन एंड वुमेन, इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स ऑन बिहेवियर एंड कॉजेज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड मैनी अदर थिंग्स. नाउ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के मेथड्स क्या क्या हैं. फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन मेथड, मतलब इंट्रोस्पेक्शन मतलब विद इन, अंदर से. तो आपको अपने बारे में जानना है, आप अपने बारे में इंस्पेक्शन लोगे, आप क्या हो, आप कैसे हो, बाद में आप दूसरों को सुधार सकते हो, बाद में आप दूसरों को समझ सकते हो, पहले अपने आप को समझो कि आप कौन हो. तो द इंट्रोस्पेक्शन मेथड
इंट्रो मीन्स विद इन, इंस्पेक्शन मीन्स लुकिंग. इट इज़ द सेल्फ ऑब्जर्विंग एंड इनर परसेप्शन, अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आप एक इंडिविजुअल कैसे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड. तो ये हम इसलिए सबसे फर्स्ट में रखते हैं क्योंकि हम पहले दूसरों को सॉल्व करने से पहले पहले हमें अपने आप को समझना होना चाहिए कि हम कैसे हैं, ठीक है. इसके मेरिट्स क्या हैं? इट इज़ सिंपल एंड अवेलेबल. ऑब्वियसली आपको अगर अपने आप के बारे में समझना है तो ये बहुत सिंपल तरीका है. आपको कहीं लैब में तो नहीं जाना, आप घर पर बैठ के भी अपने आप को समझ सकते हो कि आप कैसे इंडिविजुअल हो. अंडरस्टैंडिंग ऑफ कवर्ट एक्सपीरियंसिस आर पॉसिबल. डीमेरिट्स क्या हुए? कंटिन्यूस चेंज इन मेंटल प्रोसेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व. डीमेरिट्स ये हुए कि आप बार बार ऐसे इंडिविजुअल चेंज होते हो, ठीक है, आप हर बार चेंज होते हो, हर बार आप अपने आप को समझते हो और हर बार आप जो है कन्फ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन हूँ, है ना. तो ये यहाँ पे डीमेरिट हो जाता है. लैक ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. अब मे बी आप अपने बारे में कुछ और सोचते हो लेकिन सामने वाला बंदा आपके बारे में कुछ और सोचता है, तो यहाँ पे आपको वैलिडिटी रिलायबिलिटी नहीं मिलती है, है ना. तो ये इसके दो डीमेरिट्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशनल मेथड. इट इज़ डन बाय अ सेकंड पर्सन. कलेक्टेड डेटा इज़ रिपोर्टेड. ऑब्जर्वेशनल मेथड में मतलब दो लोग बैठे हैं, एक उनमें से सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है ना. ऑब्जर्वेशन मेथड में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करता है, डेटा जो मिलता है उसको कलेक्ट करता है. इट मे बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. अब जो ऑब्जर्वेशन होता है वो फॉर्मल सेटिंग में भी हो सकता है, इनफॉर्मल सेटिंग में भी, या तो कोई पार्टिसिपेट करेगा पार्टिसिपेंट, या फिर नॉन पार्टिसिपेंट के आप बिना किसी ने पार्टिसिपेट किया आप फिर भी उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना. तो ये ऐसे ऑब्जर्वेशन जो है ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है. सो इट इज़ डन बाय सेकेंड पर्सन. दूसरा इंडिविजुअल करता है. आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप दूसरे को ऑब्जर्व करोगे अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो तो. डेटा जो मिलेगा आप उसे कलेक्ट करोगे, ठीक है. मेरिट्स क्या हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड के? यूज़ टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की जो बिहेवियर है उनको समझने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं. हम उन्हें एक प्ले रूम में लेके जाके बिठा सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के दूसरे बच्चों के साथ उन्हें छोड़ सकते हैं, हम उनकी बिहेवियर के बारे में समझ सकते हैं, है ना. ये तो इसका मेरिट है कि हम बच्चों का बचपन से ही इंडिविजुअल का बिहेवियर समझ सकते हैं. इट इज़ इकोनॉमिकल. इसमें कोई बड़ी से बड़ी आपको मशीनरीज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिकल है. नर्स कैन यूज़ इट फॉर हर पेशेंट्स. आप अपने पेशेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, जो हम करते हैं हमेशा, है ना. एज अ नर्स हम हर वक्त अपने पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं. डीमेरिट्स. कंसेंट इज़ नॉट पॉसिबल. अब अगर कोई इंडिविजुअल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, और वो चाहता है कि आप उसे ऑब्जर्व ना करो, लेकिन आपको तो कंसेंट लेना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता. ये इसका एक डीमेरिट है, ठीक है. अगर कोई आपको नहीं चाहता कि वो ऑब्जर्व्ड हो तो आपका वहाँ पे ऑब्जर्व करना सही नहीं है ना. तो कंसेंट हर वक्त लेना पॉसिबल नहीं है. डेटा डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर को जितना नॉलेज है, जितना उसे डेटा पता है, नोट डाउन करेगा वो, ठीक है. तो डेटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना उसको कितना नॉलेज है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है. नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड. हमें इस वर्ड से समझ आ जाना चाहिए. इन दिस मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्टिमुलस आर मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर. डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. व्हाट इज मेजर्ड. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इट इज़ द ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. सिंपल एक्सप्लेनेशन जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड की वो ये है, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. आपने जो एक एनवायरनमेंट कंट्रोल किया है और अब उस एनवायरनमेंट के अंदर जो जो हो रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो. उस एनवायरनमेंट में दो चीज़ होती हैं, तीन होती हैं एक्चुअली, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो
जिस और जिसको आप ऑब्जर्व करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस पे आप स्टडी करना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है, जिस पे आप स्टडी करना चाह रहे हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप मैनिपुलेट कर रहे हो उसको यूजिंग व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। आप उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मेजर करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आप एक इंडिविजुअल है, वो स्टिमुलस हो गया, ठीक है, एक इंसान है वो स्टिमुलस हो गया, आप एक्सपेरिमेंटर हो, ठीक है, तो जो इंसान है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। आप इंसान का गुस्सा पढ़ना चाहते हो एज अ एक्सपेरिमेंट, एज अ साइंटिस्ट और एज एन एक्सपेरिमेंटर आप उस इंडिविजुअल का गुस्सा पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या पढ़ोगे, गुस्सा क्या हुआ, गुस्सा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ, वो इंसान, एक्सपेरिमेंटर कौन हुआ, आप। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो और कंडीशंस कंट्रोल है, आप उसको गुस्सा दिलाने के लिए हर वो चीज़ कर रहे हो उस एनवायरनमेंट में, उसको इंटरनेट नहीं दे रहे, या खाना टाइम पे नहीं दे रहे हो, बेड सही से नहीं दे रहे हो, टॉयलेट प्रोवाइड नहीं दे रहे हो, तो ये आपका जो है कंडीशंस हो, ठीक है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो इन कंडीशंस में। तो सिंपल जो डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंटल मेथड का, वो ये है, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है। इसका मेरिट क्या है, इट इज़ मोर रिलायबल, डेफिनेट, प्रिसाइज। यहाँ पे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो इसके एक्सपेरिमेंट जो चीज़ की जाती है उनके रिजल्ट पे हम ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा इजीली हम उन पे यकीन कर लेते हैं, है ना, वी फाइंड कि हाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ। आप अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आप पहले यही सोचोगे ना कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया गया है तभी यूज़ करूँगी। आप फ्रेश कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लोगे कि ये नया नया मार्केट में आया है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, तो इस पर कोई स्टडी नहीं हुई है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, नहीं ना। हम हमेशा प्रोडक्ट्स भी देखकर यूज़ करते हैं कि एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो इस प्रोडक्ट का क्या रिज़ल्ट निकला, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो जो ये होता है ना एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये रिलायबल होते हैं, ठीक है, प्रिसाइज होते हैं, दे कैन बी रेप्लिकेटेड एंड लेस बायस। हम यहाँ पे बायस नहीं होते हैं, और दोबारा से आप उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हो। डीमेरिट्स क्या हुआ है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिहेवियर डज नॉट परमिट परफेक्ट कंट्रोल कंडीशन, हैंस इट इज डिफिकल्ट। बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो किसी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अगर आप रिसर्च करोगे एक्सपेरिमेंटल, तो हर वक्त वो प्रॉपर नहीं आएगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अनदर मेथड इज क्लिनिकल केस हिस्ट्री मेथड, द क्लिनिकल / केस हिस्ट्री मेथड। इट इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्सन, किसी इंडिविजुअल के बारे में डेप्थ में पढ़ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं केस स्टडी मेथड। एक केस ले लिया, उसके बारे में डेप्थ में पढ़ रहे हो। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कॉज एंड सोर्सेज ऑफ पीपल्स फियर, एंजाइटी, ऑब्सेशंस, ठीक है, कि तो आप उस इंडिविजुअल के बारे में जो फियर है, एंजाइटी है, ऑब्सेशन है, वो सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि आपको एक इंडिविजुअल के बारे में डेप्थ में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड्स आर यूज, आप जो है इंडिविजुअल को कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। डिसएडवांटेज क्या है इसका, नॉट जनरलाइज द फाइंडिंग। आप एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ के पूरे ग्रुप का रिजल्ट नहीं बताओगे, है ना, पूरे ग्रुप का अगर आपको रिजल्ट बताना है तो पूरे ग्रुप को स्टडी करना होगा, है ना, तो इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो जनरलाइज नहीं कर सकते और टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट है सर्वे मेथड, बहुत कॉमन मेथड है, और सर्वे में क्या होता है, यू आर गैदरिंग डेटा यूजिंग इंटरव्यू क्वेश्चनर फ्रॉम अ सिलेक्टेड सैम्पल। एक सैम्पल ले लिया आपने कम्युनिटी में से, 100 लोगों में से आपने 50 ले लिए, उन पे आपने सर्वे कर दिया, तो सर्वे मेथड में उनसे डेटा ले लिया, या तो इंटरव्यू या क्वेश्चनर से। मेरिट्स क्या है, इजी टू एडमिनिस्टर, बहुत इजी है, शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड, टाइम भी बहुत कम लेता है, है ना, पेपर में क्वेश्चनर बना के दे दो, उन्हें बोलो सॉल्व कर देंगे, पूरे कम्युनिटी में बांट दो पेपर, बाद में कलेक्ट कर लो, और बाद में आप उनके आंसर्स देख सकते हो, तो ये बहुत इजी है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है।
डीमेरिट्स क्या है, वैलिडिटी ऑफ टूल, सैम्पल सिलेक्शन क्राइटेरिया, कोऑपरेशन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक क्या आपसे पब्लिक कोऑपरेट करे, वो एक डीमेरिट है, हर वक्त पब्लिक रेडी नहीं रहती कोऑपरेट करने के लिए। सैम्पल जो आपने सिलेक्ट किया वो कैसा सैम्पल है, कैसे आपने सिलेक्ट किया, वो भी एक डीमेरिट है। जेनेटिक / डेवलपमेंटल मेथड, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू लाइफ स्पैन, आप पूरे लाइफ स्पैन किसी इंडिविजुअल या ग्रुप या किसी ह्यूमन के बारे में बर्थ से लेके इनफैक्ट प्रीनेटल या एंटीनेटल पीरियड से लेके डेथ तक स्टडी करना, या फिर चाइल्डहुड से, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। इट यूजुअली स्टार्ट्स एट चाइल्डहुड, इट इज़ वेरी रेयर मेथड, ये बहुत एक रेयर मेथड है, ठीक है। टेस्टिंग मेथड क्या है, यूज़ ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, आप जो है हर उस इंडिविजुअल को बार बार साइकोमेट्रिक टेस्ट दोगे। अब साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या रिलेवेंस है, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ पेशेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन द नर्स। इंट्रोस्पेक्शन के बारे में आपको मैंने बताया था, सबसे फर्स्ट जो मेथड ऑफ साइकोलॉजी है, तो पेशेंट जो है तभी बेटर होगा ना अगर आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे। तो आप अच्छे से तब बिहेव करोगे जब आप अपने बारे में लेकर कंटेंट रहोगे या सेटिस्फाइड रहोगे, और वो हम तब होते हैं जब हम अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाँ मैं ऐसी इंसान हूँ या मैं ऐसा इंसान हूँ। तो जो पेशेंट का फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है वो डिपेंड करता है नर्स पे, कि नर्स कैसी है, क्या आप सपोर्टिव हो या क्या आप रूड हो, ठीक है। तो वो समझने के लिए कि आप अच्छे हो कि आप कैसे हो, आपको क्या करना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। अ नर्स शुड नो द साइंस ऑफ बिहेवियर फॉर बेटर रिजल्ट टू डील विद द पेशेंट। कोई अगर इंडिविजुअल आपको स्टाफ हॉस्पिटल में लड़ाई कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो आपको उसका बिहेवियर जो है समझना है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए बिहेवियर कैसे समझोगे, तो डेफिनेटली साइकोलॉजी की साइकोलॉजी है, साइंस ऑफ बिहेवियर इज स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजी की वजह से ही जो है हम समझते हैं कि स्ट्रेस और फिजिकल इलनेस में जो है रिलेशनशिप है, कनेक्शन है। टेंशन होती है तो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, बीमारियाँ होती हैं तो टेंशन होता है, ये सब इंटर रिलेटेड है, इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप है, ये हम साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है। आफ्टर डिटेल स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नर्स कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन डीलिंग विद द पेशेंट्स। साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनको डीलिंग विद, यू कैन अप्लाई देम वाइल डीलिंग विद द पेशेंट्स। साइकोलॉजी हेल्प्स द नर्स टू एक्सेप्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग डिसलाइकिंग इमोशंस रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एक्सेट्रा। आप जो है किसी हर इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करोगे, और वो कैसे करोगे आप, क्योंकि वो हमें साइकोलॉजी सिखाता है कि इंसान कैसा भी हो हमें एक्सेप्ट सबको करना है। साइकोलॉजी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन मैनी थेरेप्यूटिक मेजर्स लाइक बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, साइकोअनालिसिस। साइकोलॉजी से जो है हम पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे, बिहेवियर थेरेपी में या प्ले थेरेपी में लगा कर उनको जो है उनका बिहेवियर, अगर कोई पेशेंट बीमार है ज़्यादा टाइम तक, तो आप जो उनको थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए प्ले थेरेपी दे सकते हो, तो वो ठीक हो सकता है थोड़ा बहुत भी, है ना। साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में समझना, अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना, ये कौन सिखाता है हमें, साइकोलॉजी। इट डिस्क्राइब्स द कोपिंग एबिलिटीज, डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय पेशेंट्स, एंथीसिस रेलेवेंस टू डिजीज कंडीशंस। किसी इंडिविजुअल की कोपिंग एबिलिटीज जो है कितनी है, डिफेंस मैकेनिज्म कितने हैं, ये आपको साइकोलॉजी से ही पता चलता है। और जब आपको किसी पेशेंट का कोपिंग एबिलिटी और डिफेंस मैकेनिज्म समझ आ जाए, तो आप पेशेंट को इजीली ट्रीट कर सकते हो एज अ नर्स। सो यूनिट वन का हमारा रिवीजन हो गया है, इसका टेस्ट हम सैटरडे में लेंगे, ठीक है, यूनिट वन का, कंप्लीट यूनिट वन। बी प्रिपेयर्ड, गुड लक।